हेलो गाइस, दिस इज शावेज। आई होप यू ऑल विल फाइंड दिस लेक्चर इन योर वेरी बेस्ट हेल्थ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस पार्ट टू। जैसे कि कंजंक्शन पार्ट वन में हमने भेद करना सीख लिया, डिफरेंशिएट करना सीख लिया, प्रीपोजिशन, रिलेटिव प्रोनाउन, एडवर्ब और कंजंक्शन के बीच में। उस टॉपिक में या उस लेक्चर में हमने जाना कि एक ही शब्द को हम अलग अलग यूज करते हैं और उसके मायने बदल जाते हैं, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाती हैं। जब ऐसा होने लगे कि शब्दों के मायने बदल जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाए, तो यही चीज कंपटीशन में हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाली हो जाती है कि हम करें तो क्या करें, हम किस तरह से इसको समझ पाए। क्योंकि ये लैंग्वेज होती है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, ये अपने आप में बहुत जटिल है। अभी जो मैंने आपका फैब में लेक्चर लिया था, मैंने उसमें आपको क्लियर कर दिया था कि जो लैंग्वेज होती है वो बदलती रहती, उसका रूप बदलता रहता है, और उसके रूप बदलने में जो सबसे बड़ा अहम रोल होता है वो होता है यूसेज का, कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक रूल भी दे रखा है हमें 420 में, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। नीचे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द दिए गए हैं विच मे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि बिलोंग करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच को अकॉर्डिंग टू द वे इन विच दे आर यूज, उस तरह से जैसे उनको यूज किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि शब्द तो वो ही रहेगा लेकिन उसके मायने बदल जाएंगे, उसका अर्थ बदल जाएगा उस स्थिति में कि आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो यहाँ बिल्कुल अपने माइंड में एक स्ट्रक्चर बना लीजिए बहुत क्लियर, कि हमारा जो फोकस होगा वो होगा यूसेज के ऊपर, कि हम एक शब्द को किस तरह से यूज कर रहे हैं और किस तरह से वो शब्द नाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज द फंक्शन और यूज That determines to which part of speech a word belongs in a given sentence. हमेशा ध्यान रखिए that it is the function or use, कि ये शब्द का use ही होता है जो ये तय करता है कि जो शब्द है वो किस parts of speech को belong करता है। Again बात वही आ गई है कि सारा जो focus है, सारा जो जोर है वो किस बात पर दिया जा रहा है, वो जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि हमारा यूसेज कैसा है। जैसा यूसेज होगा वैसे ही शब्द का मायना हो जाएगा, वैसे ही शब्द का अर्थ हो जाएगा। अब जैसे कि ये शब्द दे रखे हैं यहां पर, अबाउट, अबव, आफ्टर, ऑल, ये सारे शब्द दे रखे हैं। लेकिन इन सारी चीजों को कराने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूं इसी लेक्चर में, पहले उसको देखते हैं फिर हम आगे की बात करते हैं। अरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से कुछ जाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। यहाँ तो बोलते कुछ हैं पर मतलब कुछ और निकलता है। एक एक शब्द के चार चार मतलब, ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आंख बड़ी करके बोलो अच्छा है तो मतलब साथ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा साथ। फिर गुस्सा आता है तो आवाज लाउड हो जाती, अच्छा हमको सिखा रही है, अच्छा। और जब सोचते हैं तो लंबा वाला अच्छा अच्छा शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है ससुरी। बहुत वीडियो देख लिया आप लोगों ने, वीडियो देखने के बाद ये क्लियर हो गया है कि हमारे हिंदी भाषा में भी ये जो अच्छा शब्द है इसको भी किस तरह से यूज किया जाता है, और यहाँ पर यूसेज प्लस एक्सप्रेशन कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसी तरह से अब ये कुछ शब्द हैं, अबाउट, अबाउट है हमारा जो एडवर्ब भी है, प्रीपोजिशन भी हो जाता है लेकिन यूसेज के अकॉर्डिंग होगा, अबव है, आफ्टर ऑल है, इस तरह से देखिए ये सारे शब्द हैं, एनी, एज, बिफोर, बेटर, बोथ, बट, डाउन, ईदर, एल्स, इनफ, इवन, एक्सेप्ट, ये सारे शब्द हैं। इन सारे शब्दों को आप पढ़िए क्योंकि आपका कंपटीशन इन्हीं शब्दों पर टिका हुआ है। अगर ये शब्द आपके क्लियर हो गए तो आपका कंपटीशन कोई नहीं रोक सकता। और उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप लोगों को करनी होगी, इस एक्सरसाइज को करिए। टोटल 50 क्वेश्चंस आर देयर, आपके पास 90 मिनट्स हैं,
serve your answer till 11:30. So, I hope you all have enjoyed this lecture and will gain some good pieces of information about conjunction. This is my final lecture about conjunction, and I hope that my effort will give you some substantial results. I'm hoping for the best. Let's see. My hope depends on your response. I really want that you must ensure 50 right answers in this exercise. Thank you for your participation. Stay home, stay healthy. Thank you so much.